अलवर राष्ट्रीय मार्ग पर कुछ लोगों ने निजामपुर गांव के सरपंच की गाड़ी पर जानलेवा हमला किया। आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अलवर राष्ट्रीय मार्ग 248 ए पर स्थित मरोड़ा गांव के पास कुछ लोगों ने निजामपुर गांव के पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पूर्व सरपंच ने बताया कि खड़ेला गांव के 12 से अधिक लोग आए और उनकी गाड़ी रुकवाकर उनके साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी तक तोड़ डाली। यही नहीं, बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया। मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान डीएसपी ने बताया कि 20 से 25 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सरपंच के बयान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गाड़ी को भी है, वो सेक्शंस भी ऐड कर दिए गए हैं। बाकी अभी मुकदमे की तफ्तीश चल रही है और जल्दी इस मुकदमे को फाइनलाइज कर दिया। प्रदेश में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कानून व्यवस्था में कितना सुधार कर पाती है।